हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन लोग किसी केमिकल रिएक्शन के मैकेनिज्म की डिटरमिनेशन की कुछ मेथड्स हैं, उन मेथड्स को पढ़ेंगे। किसी रासायनिक अभिक्रिया की क्रियाविधि को निर्धारित करने के लिए कि कोई भी रिएक्शन जो है वो किस मैकेनिज्म से कंप्लीट होगी, इसके लिए कुछ मेथड्स फॉलो किए गए हैं जिनके द्वारा हम रिएक्शन मैकेनिज्म को पहचान सकते हैं। इनमें से मेन जो कुछ विधियां हैं, जैसे प्रोडक्ट एनालिसिस है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट्स हैं, अभिक्रिया में बनने वाले हम मध्यवर्ती पहचान लें, कोई आइसोटॉपिक मेथड है, कुछ काइनेटिक मेथड्स हैं और कुछ स्टीरियोकेमिकल मेथड्स हैं। इन मेथड्स के द्वारा रिएक्शन मैकेनिज्म को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। तो सबसे पहले जो इसका फर्स्ट मेथड है, प्रोडक्ट एनालिसिस क्या होता है। प्रोडक्ट एनालिसिस के अंतर्गत किसी भी कार्बनिक अभिक्रिया में क्रियाविधि को निर्धारित करने के लिए बने उत्पादों और सह उत्पादों की प्रोडक्ट्स और बाई प्रोडक्ट्स जो भी रिएक्शन के अंदर बन रहे हैं उनकी पहचान करते हैं और उसके पश्चात उनका जो कंपोजिशन बन रहा है, अपेक्षित मात्राएं बन रही है, उसको ज्ञात करते हैं। जैसे अपन इसमें एग्जाम्पल के द्वारा इसको समझने का प्रयास करेंगे। अपने पास में दो कंपाउंड्स हैं। पहला कंपाउंड है 1-chloro-3-methyl-2-butene। दूसरा कंपाउंड अपने पास में है 3-chloro-3-methyl-1-butene। इन दोनों का ही जब एल्केलाइन हाइड्रोलाइसिस किया जाता है, क्षारीय जल अपघटन करते हैं, तो जल अपघटन पर या हाइड्रोलाइसिस पर 85% टर्शरी अल्कोहल प्राप्त होते हैं और 15% जो है इसके अंतर्गत प्राइमरी अल्कोहल प्राप्त होते हैं। अब दोनों के जल अपघटन पर बनने वाले उत्पाद का जो कंपोजिशन है, कंपोजिशन जो बन रहा है वो समान है। इसका अर्थ ये है कि अभिक्रिया के अंदर बनने वाली जो इंटरमीडिएट्स हैं वो समान होंगे। इंटरमीडिएट्स दोनों में सेम बन रहे हैं, इसी कारण से उत्पाद का जो रेशियो है वो सेम आ रहा है। तो हम वो मैकेनिज्म देखने का प्रयास करते हैं जिसके अंदर दोनों में सेम इंटरमीडिएट बनने की संभावना हो। जैसे इस में अपन इस एग्जांपल के द्वारा इसको पढ़ रहे हैं, तो इसके अंदर जब इसमें से क्लोराइड आयन का निष्कासन होता है तो प्राइमरी कार्बोकेटायन बनता है, और जब सेकेंड जो कंपाउंड अपन ने लिया है 3-chloro-3-methyl-1-butene, इसका जब क्लोराइड आयन रिमूव होता है तब भी यहाँ कार्बोकेटायन बन रहा है, लेकिन ये कार्बोकेटायन कैसा कार्बोकेटायन है? टर्शरी कार्बोकेटायन। अब अपन लोग जानते हैं कि टर्शरी कार्बोकेटायन की जो स्टेबिलिटी है वो प्राइमरी कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी से अधिक होती है, क्योंकि प्लस आई प्रभाव के द्वारा जो कार्बोकेटायन का पॉजिटिव चार्ज है वो काफ़ी अधिक मात्रा के अंदर न्यूट्रलाइज हो जाता है। इस कारण से ये अधिक स्थायी है प्राइमरी की तुलना में। तो अब जब दोनों उत्पाद बन रहे हैं तो यहाँ पर जो प्राइमरी और टर्शरी कार्बोकेटायन है इनमें रेजोनेंस के द्वारा ये एक दूसरे प्राइमरी कार्बोकेटायन टर्शरी कार्बोकेटायन में परिवर्तित हो जाता है। इस कारण से जो हमारा फर्स्ट कंपाउंड था, हालांकि वो बना तो प्राइमरी कार्बोकेटायन रहा है, लेकिन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के द्वारा ये मोर स्टेबल टर्शरी कार्बोकेटायन में परिवर्तित हो जाता है। इसी प्रकार से ये जो हमारा सेकंड कंपाउंड है ये तो अल्टीमेटली टर्शरी कार्बोकेटायन ही बना रहा है, लेकिन इसके भी कुछ मॉलिक्यूल्स जो हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के द्वारा प्राइमरी कार्बोकेटायन में चेंज हो जाते हैं। अब ये जो दोनों इंटरमीडिएट्स बने हैं इन पर जब हाइड्रोक्सिल आयन का अटैक होता है, तो जब हाइड्रोक्सिल आयन प्राइमरी कार्बोकेटायन पर अटैक करता है जिसकी की मात्रा कम है तो प्राइमरी अल्कोहल बनता है, और यहाँ पर जहाँ की टर्शरी कार्बोकेटायन पर हाइड्रोक्सिल आयन का अटैक होता है तो टर्शरी अल्कोहल बनता है। क्योंकि इनकी बनने वाले इंटरमीडिएट्स का परसेंटेज डिफरेंट है, इस कारण से दोनों के अंदर प्रोडक्ट भी डिफरेंट बनते हैं,
प्राइमरी अल्कोहल जो है 15% बनता है और टर्शरी अल्कोहल क्या है 85% बनता है। तो इन दोनों के अंदर अपन ये बता सकते हैं कि किस तरह से प्रोडक्ट का एनालिसिस करके और ये अभिक्रिया जो है इन दोनों अभिक्रियाओं की क्रियाविधि स्पष्ट हो जाती है कि दोनों के अंदर रिएक्शन जो है वो SN1 के द्वारा संपन्न हो रही है। SN1 रिएक्शन अपन पहले भी पढ़ चुके हैं। SN1 रिएक्शन के अंदर क्या है कि फर्स्ट स्टेप जो कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है उसमें रिएक्टेंट इंटरमीडिएट में चेंज होता है और फिर इंटरमीडिएट जो है प्रोडक्ट में परिवर्तित होता है। तो ये फर्स्ट अपना जो मेथड है प्रोडक्ट एनालिसिस के द्वारा हम उस रिएक्शन के मैकेनिज्म तक पहुंच जाते हैं। सेकंड जो अपना मेथड है कि जो इंटरमीडिएट्स बन रहे हैं उनका डिटेक्शन करके आइसोलेशन करके कुछ मध्यवर्तियों का या इंटरमीडिएट्स का हम अनेक रासायनिक अभिक्रियाओं की क्रिया विधि के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। किसी रासायनिक अभिक्रिया के अंदर मध्यवर्ती स्पीशीज बनते हैं तो उनकी पहचान जो है कभी कभी स्पेक्ट्रोस्कोपी के द्वारा या उनको रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा ट्रैपिंग पिंजरित करके की जाती है। तो कुछ मॉलिक्यूल्स के अंदर कुछ रिएक्शंस में इनको आइसोलेट किया जा सकता है, कुछ में इनकी पहचान जो है स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड से द्वारा की जाती है और कुछ अभिक्रियाओं में इनकी ट्रैपिंग की जा सकती है। तो सबसे पहले कुछ वो एग्जाम्पल पढ़ेंगे जिनमें मध्यवर्ती को आइसोलेट किया जा सकता है। एक एग्जाम्पल है जब अमाइड के हाफमैन डिग्रेडेशन के द्वारा अमीन प्राप्त करते हैं तो हमें तीन इंटरमीडिएट्स प्राप्त होते हैं। ये अभिक्रिया क्या है कि मंद है और उसे मध्य में रोक करके और इनको आइसोलेट करके और इन इंटरमीडिएट्स की हम संरचना ज्ञात कर सकते हैं। तो हमें तीन मध्यवर्ती यहाँ पर प्राप्त होते हैं। एक है एन ब्रोमामाइट, दूसरा इसका नेगेटिव आयन है और तीसरा है एल्किन आइसोसाइनेट। यानी कि हाफमैन डिग्रेडेशन की जो रिएक्शन है अब उसका वो मैकेनिज्म होगा जिसके अंदर ये तीनों मध्यवर्ती बन रहे हों। तो ये जो इसका मेथड है एमाइड से अमीन का बनना, इसके अंदर अपन देख रहे हैं कि जो फर्स्ट स्टेप है उसमें एन ब्रोमामाइड बनता है, सेकंड स्टेप में इसका नेगेटिव आयन बनता है और लास्ट के अंदर प्रोडक्ट के रूप में थर्ड जो इसमें इंटरमीडिएट बनता है वो आइसोसाइनेट बनता है और फिर ये प्रोडक्ट अमीन में चेंज हो जाता है। तो इन इंटरमीडिएट्स की पहचान करके एमाइड का अमीन में हाफमैन डिग्रेडेशन मेथड के द्वारा जो परिवर्तन था उसके मैकेनिज्म को पहचाना गया। सेकंड जो मेथड है इसमें वो है स्पेक्ट्रोस्कोपी के द्वारा। बहुत से जो इंटरमीडिएट्स बनते हैं उनको स्पेक्ट्रोस्कोपी के द्वारा निर्धारित करते हैं। जैसे बेंजीन के नाइट्रेशन की जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं उसमें इलेक्ट्रोफाइल NO2+ का प्रयुक्त होना रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी के द्वारा निर्धारित किया गया। और इसको जब ये पता चला कि NO2+ इसमें मध्यवर्ती बनता है तब इसका रिएक्शन मैकेनिज्म डिटरमाइन कर लिया गया। थर्ड जो है पिंजरित करना। पिंजरित करने का अर्थ क्या होता है कि जो मध्यवर्ती वहाँ बन रहा है हम रिएक्शन में कुछ ऐसे केमिकल्स यूज करते हैं कि जो बनने वाला मध्यवर्ती है वो उस यौगिक के साथ में अभिक्रिया करके एक एडिशन प्रोडक्ट एडक्ट बना देता है, यौगिक बना देता है, योगात्मक यौगिक। इसका एक एग्जाम्पल है डाईएजोमेथेन की जब हम रिएक्शन अल्ट्रावायलेट रेज की उपस्थिति में करवाते हैं तो नाइट्रोजन रिमूव होकर के और कार्बिन इंटरमीडिएट बनता है। अब ये कार्बिन इंटरमीडिएट क्या है, साइक्लोप्रोपेन डेरिवेटिव बना लेता है। किसकी उपस्थिति में, प्रोपीन की उपस्थिति में। तो कार्बीन जो है साइक्लोहेक्सीन के साथ में भी रिएक्शन करके और डेरिवेटिव बना सकता है। तो इसका अर्थ ये है कि बनने वाला जो कार्बीन इंटरमीडिएट है
हालांकि बहुत ही रिएक्टिव इंटरमीडिएट है जिसको कि हम रिएक्शन से आइसोलेट नहीं कर सकते, लेकिन रिएक्शन में अन्य यौगिक के द्वारा उसको ट्रैप करके और फिर उस यौगिक की पहचान कर ली जाती है कि इसमें ये मध्यवर्ती बन रहा है, अतः इस अभिक्रिया का ये रिएक्शन मैकेनिज्म होगा। तो रिएक्शन मैकेनिज्म के दो मेथड्स अपन ने पढ़े। फर्स्ट मेथड, तो अपन ने इसमें देखा कि किस तरह से प्रोडक्ट एनालिसिस के द्वारा रिएक्शन मैकेनिज्म को पहचाना जा सकता है, और सेकंड अपन ने देखा कि किस तरह से बनने वाले इंटरमीडिएट्स को आइसोलेट करके, ट्रैप करके या स्पेक्ट्रोस्कोपी के द्वारा उनकी पहचान करके रिएक्शन मैकेनिज्म को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। थैंक यू।